नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या जेएनयू में रविवार के हिंसा में जिस लड़की को नकाब में डंडे लेकर हमलावरों के साथ देखा गया, उसकी पहचान स्थापित कर ली गई है? पुलिस ने नहीं की है, लेकिन ऑल्ट न्यूज़ की टीम ने कर ली है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को जेएनयू में हिंसा होती है, 10 जनवरी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मगर किसी को उस लड़की के बारे में पता नहीं चलता कि साबरमती हॉस्टल में डंडा लेकर जो लड़की नज़र आ रही है, उसकी पहचान क्या है। नकाब पहनी इस लड़की की पहचान के बारे में पहले दिन से कई रिपोर्ट है, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, इस लड़की की बातचीत वायरल है, मगर पुलिस इस पर कुछ नहीं कहती। लेकिन आज ही ऑल्ट न्यूज़ की टीम ने दावा किया है कि उन्होंने इस लड़की की पहचान स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बारे में हम प्राइम टाइम में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्रोनोलॉजी से समझने का प्रयास करते हैं, जिसके आगे थेथरोलॉजी भी फेल है। बहरहाल, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहानी 5 जनवरी की हिंसा से ज़्यादा 4 जनवरी की थ्योरी पर पहुंचती है, जिसके सहारे जेएनयू प्रशासन बार बार दावा करता नजर आता है कि लेफ्ट के छात्रों ने सर्वर रूम को क्षतिग्रस्त किया और हिंसा की शुरुआत की, जो प्रशासन की शुरू से लाइन रही है। 4 जनवरी की हिंसा का ना तो स्केल वैसा था, और अगर वैसा था तो उसकी FIR कराने का ख्याल जेएनयू प्रशासन को 5 जनवरी की हिंसा के बाद ही क्यों आया, इसका जवाब नहीं मिला। आज पुलिस ने जिस तरह से अपनी बात रखी, उस पर सवाल तुरंत ही उठने लगे, मगर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान आ जाता है, ट्विटर पर एक और मंत्री का हैशटैग शुरू हो जाता है। उससे यही लगता है कि अब जेएनयू की हिंसा को ना तो आप क्रोनोलॉजी से समझ पाएंगे और ना ही थेथरोलॉजी से। जिस वक्त जेएनयू छात्र संघ के प्रतिनिधि मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव से बात कर रहे हैं, उस वक्त दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देती है, 4 तारीख की कथित हिंसा के लिए लेफ्ट संगठनों का नाम लेकर दोषी ठहराती है और 5 जनवरी की हिंसा पर कुछ खास नहीं बोलती है, उसे भीड़ की हिंसा कहती है। जिस वक्त जेएनयू के छात्र मानव संसाधन सचिव से मिलकर प्रेस से बात कर रहे होते हैं कि क्या क्या बातें हुई, तभी उनके सामने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल दागे जाने लगते हैं। वो खत्म नहीं होता कि सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान ANI के जरिए चैनलों पर चलने लगता है, जिसमें वे पुलिस की उस जानकारी पर निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं जिसे खुद पुलिस शुरुआती जानकारी बता रही होती है। एक मंत्री की संवैधानिक समझदारी है। चंद मिनटों के फासले में एक दूसरी मंत्री स्मृति ईरानी ट्विटर पर जेएनयू हिंसा में लेफ्ट की भागीदारी को लेकर हैशटैग शुरू कर देती हैं। इन सब से मानव संसाधन मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल अलग रहते हैं, वो ट्वीट करते हैं, मगर उसमें वो प्रथम दृष्टया का इस्तेमाल करते हैं, साफ है का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही अभी तक हैशटैग में शामिल हुए हैं। आप पुलिस और प्रकाश जावड़ेकर के दोनों की बाइट को ध्यान से सुनिए। नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद ब्रीफ करते हैं मीडिया को, पर क्योंकि इतना ये सेंसिटिव इशू है तो इट वॉज डिसाइडेड कि हम लोग इसको पीस मील मीडिया के साथ शेयर करें। तो दिस कुड बी द फर्स्ट ऑफ सेवरल ब्रीफिंग्स दैट क्राइम ब्रांच इज गोइंग टू मेक। आप लोग सोच रहे हो मैंने डिटेन अभी किसी को नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू सर्व नोटिस ऑन दीज पीपल एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन कि आपके साथ में कौन था, आप यहाँ क्या कर रहे थे, वो सारी चीजें अभी हमारी तफ्तीश इसमें, मैं तो ये बोलूंगा कि तफ्तीश अभी शुरू हो रही है। आज की रिपोर्ट से साफ हो गया कि दोषी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कैंपेन, क्योंकि मुझे आश्चर्य लगा, मैं देख रहा था न्यूज जैसे ये शुरू हुआ टीवी पर, तो तुरंत 15 मिनट में योगेंद्र यादव वहां पहुंचते हैं, तुरंत 5 मिनट में सीताराम येचुरी की रिएक्शन आती है, फिर तुरंत सारे इकट्ठा होने लगते हैं। नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद ब्रीफ करते हैं मीडिया को, पर क्योंकि इतना ये सेंसिटिव इशू है तो इट वॉज डिसाइडेड कि हम लोग इसको पीस मील मीडिया के साथ शेयर करें। तो दिस कुड बी द फर्स्ट ऑफ सेवरल ब्रीफिंग्स दैट क्राइम ब्रांच इज गोइंग टू मेक। आप लोग सोच रहे हो मैंने डिटेन अभी किसी को नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू सर्व नोटिस ऑन दीज पीपल एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन कि आपके साथ में कौन था, आप यहाँ क्या कर रहे थे, वो सारी चीजें अभी हमारी तफ्तीश इसमें, मैं तो ये बोलूंगा कि तफ्तीश अभी शुरू हो रही है। आज की रिपोर्ट से साफ हो गया कि दोषी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और
जो कैंपेन, क्योंकि मुझे आश्चर्य लगा, मैं देख रहा था न्यूज जैसे ये शुरू हुआ टीवी पर, तो तुरंत 15 मिनट में योगेंद्र यादव वहां पहुंचते हैं, तुरंत 5 मिनट में सीताराम येचुरी की रिएक्शन आती है, फिर तुरंत सारे इकट्ठा होने लगते हैं। गलती से ये दो बार नहीं चला, बल्कि हमने आपको दोबारा इसलिए सुनवाया दोनों के बयान ताकि आप सुने कि पुलिस कह रही है कि जांच शुरू हो रही है और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सब साफ हो गया, फैसला सुना रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर यह भी बता रहे हैं इस पूरे बयान में कि हिंसा के बाद गेट पर योगेंद्र यादव पहुंच गए, सीताराम येचुरी पहुंच गए, मगर वे दूसरे पक्ष की बात नहीं कर रहे जो वहां पर थे या बाद में पहुंचे, जिन्होंने योगेंद्र यादव को मारा। केंद्रीय मंत्री इस तथ्य को भी गायब कर देते हैं कि जेएनयू के गेट पर एबीवीपी या उनकी पार्टी के समर्थक थे या नहीं। शायद सभी को पता है कि मीडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को लेकर बारीक पड़ताल करेगा ही नहीं, पुलिस के बयान को हेडलाइन बना देगा कि लेफ्ट के गुंडे थे और काम हो जाएगा। दिल्ली पुलिस जेएनयू की प्रशासन की तरह 4 जनवरी की कथित हिंसा को लेकर फोकस कर रही है, जबकि उसी दिन के दो वीडियो ऐसे हैं जिन्हें हम फिर से दिखाना चाहते हैं, जिसमें एबीवीपी के सदस्य लेफ्ट के एक छात्र और दूसरे वीडियो में एक छात्रा को पीटते नजर आ रहे हैं। उसकी चर्चा दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल ही नहीं की, यानी 4 का किस्सा भी आधा है। जैसे ये 4 जनवरी का वीडियो है, इसमें दावा किया गया है कि एबीवीपी के सर्वेंद्र कुमार आयशा के विकास पांडे को मार रहे हैं, वहां पर प्रोफेसर भी हैं, लेकिन एफआईआर सर्वेंद्र के खिलाफ नहीं होती, विकास के खिलाफ हो जाती जो मार खा रहा है, ग्रीन रंग के टी शर्ट में है। इस वीडियो में पेरियार के वार्डन भी लाल कुर्ते और भूरे जैकेट में दिखाई देते हैं, जो कभी तपन बिहारी इनका नाम है, जो कभी एबीवीपी से जुड़े रहे। अब एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं, वो भी 4 जनवरी का है। इसमें लेफ्ट की अपेक्षा प्रियदर्शनी को एबीवीपी के शिवम चौरसिया मारते हुए और धकेलते हुए देखे जा सकते हैं। शिवम को लड़के पीछे की तरफ खींच लेते हैं। इन दो वीडियो का क्या हुआ? क्या प्रकाश जावड़ेकर या स्मृति ईरानी इसे भी ट्वीट करना चाहेंगे, हैशटैग में शामिल करना चाहेंगे? हिंसा की निंदा के लिए ही सही, साफ है कि पक्ष और फैसला अब तय कर लिया गया है। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसमें मदद कर दी है। अब आप इस वीडियो को देखिए, इसमें आयशी भागते हुए देखी जा सकती हैं। कई लोग हैं जिनके चेहरे पर कोई नकाब नहीं है, फिर भी एक दो छात्रों का चेहरा ढका है, उस तरह का नहीं जैसा नकाब पहनकर 5 तारीख की हिंसा में हमलावर दिखते हैं। इनके हाथ में कोई हथियार नहीं है। अब इसी वीडियो का स्टिल फोटो लेकर दिल्ली पुलिस ने आयशी घोष, चुनचुन कुमार, पंकज मिश्रा, भास्कर विजय, सुचेता तालुकदार पर हिंसा में शामिल होने का शक जताया और नोटिस भेजने की बात की। इन 6 छात्रों का नाम लेते हुए क्राइम ब्रांच के DCP जॉय तिर्की लेफ्ट के संगठनों का भी नाम लेते हैं। इनमें से एक डोलन सामंता है जो CHS की छात्रा है, मगर तस्वीर में डोलन मारपीट करते हुए नहीं दिखती है, उनका जगह लोकेशन कहीं और है। 2 छात्रों के संगठन का नाम नहीं बताते, ABVP का नाम नहीं लिया, जबकि मीडिया में कई रिपोर्ट में इन दोनों का नाम ABVP के संदर्भ में आया। अब आप थेट्रोलॉजी समझें या क्रोनोलॉजी समझें, आप पर निर्भर करता है। यही 4 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये लोग, मतलब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इनकी तस्वीरें भी, हमने कुछ आइडेंटिफाई किए। ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहां जाके अटैक किया, और दे वर मफल्ड फेसेस, और उसमें सम मेंबर्स ऑफ द JNU SU वर ऑल्सो देयर, इनफैक्ट देयर प्रेसिडेंट वॉज ऑल्सो देयर विच इज कॉट इन कैमरा। तो ये लोग जाके वहां पे, वहां चोटें भी आई हैं लोगों को, और काफी झगड़ा वगैरह हुआ, फिर पुलिस वहां पहुंची है, और प्लेन क्लोज में कुछ पुलिस वाले वहां पे थे भी। और ये जब हम लोग करी रहे थे, आपने FIR नंबर 6 भी आप लोगों ने सबने पढ़ी है, इसमें FIR नंबर 6 बाद में दर्ज होती है, तो उसमें टीचर्स ने काफी इसमें हेल्प किया लोकल पुलिस की, और टीचर्स बीच में आए, जो इनका जो JNU टीचर्स एसोसिएशन है उनके लोग ने हेल्प किया, और यहाँ जिनको चोट लगी थी उनको हम लोग एम्स ट्रामा सेंटर और सुदर्शन हॉस्पिटल ले गए। इसमें भी ये देखा गया था, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इट इज ओनली 4 डेज, कि स्पेसिफिक रूम्स वर टारगेटेड इनसाइड द हॉस्टल, परियार हॉस्टल में। पुलिस क्यों बायस तरीके से काम कर रहे हैं?
मुझे ये जानना है कि मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला नहीं है, लेकिन किसी एक वीडियो में मैं दिखती हूँ, कुछ नहीं, मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हम लोग 4 जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव है। कहीं पे कैंपस में इमरजेंसी होता है जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता है, हम दौड़ के पहुंचते स्टूडेंट्स के एसओएस कॉल्स पे। तो क्या हमारा कैंपस के अंदर कहीं पे पहुंचना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गुनाह है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये बता देता है कि वो वहां पे वो कर रहे थे? उनके पास क्या एविडेंसेस है? दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं रिलीज करता है कि क्या एविडेंस है जिसकी वजह से वो सस्पेक्ट कर रहे हैं? उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जो एक एविडेंस मीडिया में चला था वो हमें भी पता है, उसका क्लैरिफिकेशन मैं बार बार दे चुकी हूँ। एफआईआर की कॉपी में साफ लिखा है कि जब पेरियार में हिंसा होती है, जहां इनके पहुंचने का दावा किया जा रहा है, वहां पर पुलिस है, तो पुलिस ने उस वक्त इनको क्यों नहीं पकड़ा, क्या किया, इसकी जानकारी नहीं। यही नहीं, 4 जनवरी के जिस वीडियो के आधार पर आयशी को पेरियार में हमला करने वाला बताया गया है दल में, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? अब इस शब्द को पकड़े रहिए जरा, प्राइमरी सोर्स क्या है, किस व्यक्ति ने उसे रिकॉर्ड किया, यह साफ नहीं है। यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे जो वायरल वीडियो हैं उनके बारे में पुलिस का यही कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वायरल वीडियो और फोटो तो मिले हैं, मगर किसने पहले ली है यह साफ नहीं है, इसलिए उनकी पहचान में दिक्कत आ रही है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं वो जो वीडियो जितने सारे या फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं उनसे मैं कुछ मदद ले लूं, तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है। पर अभी तक मैंने जो 30-32 जो मेरे विटनेसेस, लोगों से मैंने बहुत बात किया, पर जो मेरे एक्चुअल विटनेसेस हैं, दे हैव नॉट एक्चुअली रिकॉर्डेड दोज वीडियोज ऑन देयर फोन। तो मेरे को एविडेंस के लिए प्राइमरी एविडेंस चाहिए, जो फोन मिल जाए, आदमी मिल जाए और बोले कि जी ये मेरी रिकॉर्डिंग है। और जो हम लोग ने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम लोग थोड़े वो वायरल वीडियो से और वही हमने निकाल के और लोगों से पूछताछ, लोकल इंक्वायरी, और जो स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्पिंग मी, तो उससे हम लोगों ने थोड़े से आइडेंटिफाई किए हैं। सोचिए, 5 तारीख की हिंसा करने वाले वायरल वीडियो से नहीं पहचाने जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी साहब को बताना चाहिए था कि जिस वीडियो के आधार पर आयशी को नोटिस जारी किया जाने वाला है उसे किसने रिकॉर्ड किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब हुआ ही नहीं, एक तरफा प्रस्तुति हुई, मंचित हुआ सारा कुछ, यानी पुलिस अफसर अपना बताकर चले गए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, उस तस्वीर पर बात करना चाहेंगे जिसके आधार पर आयशी और अन्य को पेरियार में हमलावर की तरफ पेश किया गया। इस तस्वीर में अब आप देखेंगे कि आयशी घोष को पुलिस ने सर्किल किया है और तीर से भी दिखाया है अपराधी की तरह कि आयशी कौन है। तस्वीर के ऊपर आयशी घोष का नाम है, JNU SU लिखा हुआ है कि उसकी प्रेसिडेंट है, और इस फोटो में दूसरी तरफ बड़े से लाल बक्से में लिखा है अंग्रेजी में, जिसका हिंदी पढ़ रहा हूं, कि JNU छात्र संघ की अध्यक्षा अपनी लाल बैग के साथ इस वीडियो में देखी जा सकती हैं, जो पेरियार हॉस्टल में हिंसा के लिए नकाब पहने कॉमरेड गैंग को लीड कर रही थीं। इतना सारा विवरण लिखा है कैरेक्टराइज करने के लिए कि अपराधी हैं। ये विवरण लेफ्ट के बाकी कथित रूप से दोषियों की तस्वीर में नहीं है, सिर्फ आयशी के लिए ही लाल रंग में ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो सिर्फ आयशी की तस्वीर पर लाल रंग से उसे गैंग का लीडर बताया गया है, वो भी 4 तारीख की घटना को लेकर कॉमरेड गैंग कहा गया। 4 तारीख के जो 2 वीडियो हमने शुरू में दिखाया उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, जिसमें एबीवीपी के छात्रों पर लेफ्ट के छात्रों के मारने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने आयशी को ही क्यों ब्रांड किया? क्या पुलिस ने जल्दबाजी की? जिस वीडियो में कोई मारपीट करते हुए नहीं दिख रहे, आयशी के हाथ में भी कुछ नहीं है, हथियार नहीं है, लाल बैग को ऐसे लिखा है कि जैसे बैग ही हथियार हो। लेकिन जब डीसीपी जॉय तिर्की योगेंद्र भारद्वाज की तस्वीर साझा करते हैं तो सिर्फ योगेंद्र का नाम लिखा है, पीएचडी संस्कृत लिखा है, मगर किस गैंग के हैं, किस छात्र संगठन के हैं, किसी प्रकार का लाल बक्सा बनाकर पुलिस ने इनका नाम नहीं लिया। कितने साफ सुथरे प्रतीत होते हैं, उन्हें सिर्फ पीएचडी का छात्र बताते हैं। योगेंद्र भारद्वाज का नाम यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट वाले व्हाट्सएप ग्रुप के संदर्भ में आया था। इस ग्रुप में बातचीत होती है कि योगेंद्र के नंबर से लिखा है कि लेफ्ट वालों को पकड़कर मार लगानी चाहिए, बस एक ही दवा है, वो लिख रहे हैं। योगेंद्र शौर्य भारद्वाज 2017-18 में जेएनयू में एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। दिल्ली पुलिस ने एबीवीपी का नाम तक नहीं लिया, ऐसा क्यों किया दिल्ली पुलिस ने?
क्या वो जांच खुद से कर रही है या जो उसे लिख के दिया जा रहा है कोई और उसे पेश कर रहा है, ये सवाल उठ सकता है। क्या यह जानकारी सोशल मीडिया पर उठ भी रहा है? क्या यह जानकारी 5 दिनों की जांच में भी नहीं मिल सके कि योगेंद्र भारद्वाज किस दल के सदस्य हैं? आखिर दिल्ली पुलिस को एबीवीपी का नाम क्यों नहीं लिया ले सकी दिल्ली पुलिस? क्या इसलिए कि लेफ्ट का नाम लेने से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जल्दी से हैशटैग शुरू कर सकें? जबकि पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया अभी शुरुआत हो रही है, लेकिन महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने हैशटैग शुरू कर दिया कि जेएनयू की हिंसा के पीछे लेफ्ट का हाथ है। इतनी जल्दी कानून प्रक्रिया को मंत्री ज्यादा जानते हैं, उस एविडेंस के आधार पर जिसे बताने में दिल्ली पुलिस ने गलती की और यह भी कहा कि शुरुआती जांच है, अभी जांच शुरू हुई है। इस हैशटैग में एबीवीपी के सदस्य शामिल हो गए, अलग अलग राज्यों के बीजेपी के प्रवक्ता शामिल हो गए, ट्रेंड करने लगा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी इस हैशटैग में शामिल हो गए। गलती की आखिर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती है कि प्रकाश जावड़ेकर का बयान आ जाता है कि सब साफ हो गया, जिनका मानव संसाधन मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। स्मृति ईरानी ने हैशटैग शुरू कर दिया, जिनके मंत्रालय का संबंध भी जेएनयू से नहीं है, लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक इस हैशटैग में शामिल नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको बताया। जिनके मंत्रालय में आज जेएनयू छात्र संघ की बैठक हुई थी, तो क्या दिल्ली पुलिस ने हैशटैग के लिए खरा खुराक उपलब्ध कराया? जिस तरह से बयान आया, इतना सब कोऑर्डिनेटेड लगता है, या तो माया है या कुछ और है। एबीवीपी का नाम तक नहीं लिया था, जिस एविडेंस पर हैशटैग हो रहा है उसकी क्या हालत है, हम एक और बानगी आपको दिखाते हैं। पहले डीसीपी साहब ने ये वाला फोटो दिखाया कि ये विकास पटेल है, नीले और पीले रंग के स्वेटशर्ट में, लेकिन जैसे ही चैनलों में चला कि यह विकास पटेल नहीं है, शिव मंडल है। पहले मीडिया में इसका संबंध एबीवीपी से बताया गया, लेकिन वास्तविकता क्या है पुलिस ने बताया ही नहीं। जब मीडिया ने गलती पकड़ी कि भाई ये विकास पटेल नहीं है, तो दिल्ली पुलिस ने विकास पटेल की दूसरी तस्वीर जारी की। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये असली विकास पटेल की है जो दिल्ली पुलिस ने जारी की। इसमें इसे एमए कोरियन का छात्र बताया गया है। इसके बगल में भी बक्सा लाल का नहीं बनाया गया कि किसी गैंग का सदस्य हो। दिल्ली पुलिस ने नहीं बताया कि ये एबीवीपी का छात्र है। विकास पटेल इस समय एबीवीपी कार्यकारिणी का सदस्य है, पिछले साल एबीवीपी जेएनयू का उपाध्यक्ष था। यह जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं दी? क्या इसलिए कि हैशटैग नंबर वन ट्रेंड कर सके? लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने उस लड़के की तस्वीर ही गायब कर दी जिसे गलती से विकास पटेल बताया था। बताइए, जिसे मीडिया में शिव मंडल के रूप में पहचान की गई, शिव मंडल भी एबीवीपी का सदस्य बताया जा रहा था और रशियन स्टडीज का छात्र। दिल्ली पुलिस ने शिव मंडल की दोबारा तस्वीर जारी क्यों नहीं की, जबकि शिव मंडल और विकास पटेल एक ही तस्वीर के हिस्से हैं? दोनों के हाथों में लठ है। अगर आप गणित में फेल हैं तब भी नहीं समझ सकते कि एक ही फ्रेम का एक व्यक्ति दोषी बताया जाता है और एक को नहीं। एक का गलत नाम से फोटो जारी होता है और फिर सही नाम से सही फोटो जारी होता है, तो नीले और पीले शर्ट वाले को गायब कर दिया जाता है। जबकि इसके बारे में क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने साफ साफ कहा कि यह दूसरे कई वीडियो में नकाब में देखा गया है। ये है हमारे विकास पटेल, एमए कोरियन। ये अभी यहाँ पे इस तस्वीर में ये दिख रहे हैं कि ऐसे ही खड़े हैं, पर वी हैव अदर फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स जिसमें इन्होंने बाद में अपना चेहरा ढक लिया। नाम ही बताने में गलती हुई थी, तो उस सुधार के बाद क्या शिव मंडल की तस्वीर फिर से जारी नहीं करनी चाहिए थी? दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया? उसकी इतनी अच्छी साख थी, वो अपनी साख दांव पर क्यों लगा रही है? दिल्ली पुलिस जांच कर रही है या एबीवीपी या और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए सामग्री उपलब्ध करा रही है? क्या कर रही है? क्या वाकई दिल्ली की जनता ने सोचना बंद कर दिया है कि जो हैशटैग होगा हम उसे सही मानेंगे, जो भी पुलिस कहेगी वही सही हो जाएगा? क्या मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तंत्र पर, गोदी मीडिया के तंत्र पर इतना भरोसा हो गया है कि हम किसी भी प्रकार के झूठ को सत्य बना देंगे और जो सवाल है उसे मलबे में दबा देंगे? यही दिल्ली पुलिस है जिसने पहले कहा था कि जामिया में कोई गोली नहीं चली, लेकिन जब मीडिया में रिपोर्ट आई तो सामने आकर नहीं माना कि गोली चली है। वो खबर भी एक्सप्रेस में सूत्रों के हवाले से आती है कि पुलिस ने मान लिया है कि गोली चली है। क्या दिल्ली पुलिस वाकई पेशेवर तरीके से काम कर रही है? दिल्ली पुलिस कटघरे में होती है तो वो किसी भी तरीके से बचने के लिए एक फ्रेम करती है कहानी को। वो 2 घंटे कहां थी जब ऑलरेडी बताया गया था आयशी के द्वारा कि यहां पे कुछ लोग घूम रहे कैंपस के अंदर, तो 2 घंटे से पुलिस कहां थी?
जब वायलेंस हो रहा था एक घंटे तक कैंपस के अंदर, तो पुलिस बाहर में क्या कर रही थी उसको इन्फॉर्मेशन था। साइक्लोप्स का गार्ड दो दिन से साइन अटेंडेंस क्यों नहीं कर रहा था कि वो कैंपस के अंदर मौजूद है वो वीसी। ये सब एक प्लान तरीके से हुआ है, इसके पीछे कम्प्लीटली वीसी का हाथ है। हम लोग अभी एक इंक्वायरी बैठाई गई है जिसमें 5 लोगों का लिस्ट बनाया है, उसमें ऐसे भी प्रोफेसर शामिल है जो भीड़ में भीड़ को इंस्टिगेट किया है, जो अपने प्रियार हॉस्टल का वार्डन है और भीड़ के साथ वो शामिल था। इस तरह का वारदात जब दिल्ली पुलिस पे सवाल उठता है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बस बरगलाता है कि देखो एक ये फोटो आया है इसमें आशीष शामिल है, सारा चीज इस पे डाल दो। ऐसा नहीं होता है, एक फोटो के अलावा आप इसका कोई फोटो दिखा दे जहां पे वायलेंस कर रही है, जहां पे इसका फेस बंद है, लाठी है इसके डंडे इसके हाथ में, आप ऐसा कोई फुटेज लाइए जिससे प्रूफ होता है कि इसने वायलेंस किया है। पूरा प्रूफ जिसके खिलाफ हो रहा है, जो सरेआम घूम रहा है सड़कों पे, आज भी कैंपस के अंदर वो घूम रहा है मफलर लगा करके, उसका बिना मफलर का भी फेस है, डंडा लेके घूम रहा है। पुलिस के पास सारा रिपोर्ट है, वीडियो भी है, फुटेज भी है, लेकिन आज तक दिल्ली पुलिस उस एक को भी अरेस्ट नहीं किया है। दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, वरना एक सवाल पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में पूछा जा सकता था कि जब साबरमती हमले के बाद हमलावर जंगल में यानी फॉरेस्ट में भाग रहे थे, तब दिल्ली पुलिस क्या वहां सावधान की मुद्रा में खड़ी होकर विश्राम फरमा रही थी? एफआईआर के मुताबिक साबरमती हॉस्टल के पास इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी पहुंचा था, उसने जंगल में पीछा क्यों नहीं किया? ये पीस मीटिंग हुई है जिसमें ये टीचर्स और स्टूडेंट, उसमें बता रहे हैं 120-130 150 के आसपास बच्चे और टीचर्स, वहां पे एक टी पॉइंट बनता है साबरमती टी पॉइंट, वहां ये लोग इकट्ठे होके पीस मीटिंग कर रहे थे। न्यूट्रल एरिया नाइस हॉस्टल में, नाउस हॉस्टल में, दोनों हॉस्टल्स के बीच में एक जगह पड़ती है, तो वहां ये पीस मीटिंग हो रही थी और अचानक से एक ग्रुप आता है स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स भी हम लोग वैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें एक ग्रुप आया एंड देवर ऑल्सो मफल्ड फेस और इनके हाथों में डंडे बंडे थे, उन्होंने पहले यहां इन लोग के साथ थोड़ा झगड़ा किया और फिर वो साबरमती हॉस्टल में घुस गए। एंड दिस ऑल्सो वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक, मतलब हर कमरे को जाके उन्होंने नॉकिंग किया, देवर दे न्यू कि कौन कौन से कमरे में जाना है। तो दोनों पेरियार और साबरमती दोनों में लॉट ऑफ इंटरनल एलिमेंट, अब मेरे को 4 दिन हो गए हैं जेएनयू में, मेरा मैं अभी भी रास्ता भूल जाता हूँ, तो वहाँ बाहर वाले के लिए बड़ा मुश्किल है। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स, और अंदर आप सोचिए 7 बजे का अगर ये टाइम है, 7 बजे वहाँ पे हल्का सा अंधेरा भी हो जाता है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट ये सर। पर ये लोग स्पेसिफिकली इनमें गए, थोड़ा बहुत स्पिल ओवर नर्मदा में भी हुआ है। अब आप उस वीडियो को देखिए जो साबरमती में हमले से संबंधित है। पुलिस कहती है कि साबरमती हॉस्टल में हिंसा के बाद हमलावर जंगल में भाग गए। जंगल किधर है? यहाँ पर मारपीट करने के बाद ये नकाबपोश उस गेट की तरफ आए होंगे जिसके शीशे के दरवाजे को आते समय उन्होंने तोड़ा था। वहाँ से बाहर आने पर साबरमती का ढाबा मिलेगा आपको सामने, सीधे जाने पर 2 ढाबे और एक हॉस्टल मिलता है। एक जो दूसरा रास्ता है वो वार्डन के फ्लैट से गुजरते हुए नर्मदा हॉस्टल और गंगा ढाबा की ओर जाता है। वहाँ कुछ घने पेड़ हैं मगर जंगल नहीं है। उन पेड़ों के साथ साथ मेन सड़क चलती है। पुलिस के अनुसार उसकी टीम वहीं आसपास खड़ी होनी चाहिए, तो पुलिस के सामने से ये भागे कैसे या इन्हें भागने दिया गया, बताइए आप। प्रोफेसर सुचारिता सेन ने भी FIR कराई है, उस पर क्या एक्शन हुआ या उसकी जांच क्या है आज पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि जांच शुरू हो रही है। ये और बात है कि मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसला दे दिया कि साफ हो गया है। 5 जनवरी की हिंसा को लेकर 25 से ज़्यादा शिक्षकों ने पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई हैं और बड़ी संख्या में 28 से ज़्यादा छात्रों ने भी। क्या एक्शन हुआ, क्या जांच हुई, इस पर अभी कुछ भी पता नहीं, लेकिन हैशटैग में सरकार के मंत्री शुरू हो गए। इससे पता चलता है कि क्या प्लान है। JNU SC की आयशी घोष ने भी हिंसा के बाद शिकायत की थी, सर फटा है, लेकिन कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई, जैसा कि आयशी कह रही हैं। पुलिस ने एक शब्द यहां तक नहीं कहा कि आयशी घोष को किसने इतनी बुरी तरह मारा, उसे इतनी गंभीर चोट कैसे आई। सर पे पट्टी बांधकर एक लड़की बैठी है, लेकिन ट्विटर, गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आपकी आंखों में धूल झोंक दिया गया है और लोग इसे बर्दाश्त भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि हाँ हाँ यही सही है और कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने साफ साफ कहा कि जो CCTV फुटेज जो महत्वपूर्ण होने की बात हो रही है वो अब उसके पास नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। एक तो है CCTV मुझे मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता, पर CCTV बड़े वो अनफॉर्चुनेट रहा जो 3 और 4 तारीख का जो इंसिडेंट हो गया, तो उसमें वो वाईफाई बेस्ड CCTV है वो सारे के सारे डिसेबल हो गए हैं,
तो आई एम नॉट एबल टू गेट सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। इंटरनेट की बात है, आप देखिए पूरे देश में इंटरनेट कौन बंद कर रहा है, कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर से लेकर गुजरात तक, और वो लोग जेएनयू में कहते हैं कि स्टूडेंट बंद किया है। सवाल उनसे पूछना चाहिए कि सबको पता है देश में इंटरनेट कौन बंद कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हिंदी अखबार कैसे खबर छापेंगे अपने अपने शहर में देख लीजिएगा। मैंने जितने भी सवाल उठाए हैं उनमें से क्या कोई सवाल रहता है, ये आप देखते हुए समझ पाएंगे कि एक दर्शक और पाठक के रूप में आपको किस तरह से गुमराह किया जा रहा है या आपको जागरूक किया जा रहा है। ये आपको तय करना है कि इस मीडिया की चपेट में आपको कब तक रहना और कैसे रहना है। अब हम चलेंगे प्रतीक सिन्हा के पास, ऑल्ट न्यूज के। वो सारे तरह के झूठ प्रोपेगेंडा के वीडियो का खुलासा कर देते हैं, उनके वेबसाइट पर जाएंगे तो रोज ऐसी कई स्टोरी मिलती हैं। उन्होंने अभी अभी एक स्टोरी पब्लिश किया है कि 5 जनवरी की रात जो लड़की नकाब में दिख रही है, चेक शर्ट में दिख रही है, उसकी एक बातचीत वायरल हुई है। ऑल्ट न्यूज ने उसकी पहचान स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। हम प्रतीक से बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने ये काम कैसे किया, किन प्रक्रियाओं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। प्रतीक सिन्हा, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए इतने सारे वीडियो वायरल हैं, इतने सारे ऑडियो वायरल हैं मारपीट के, लेकिन पुलिस उनके बारे में तो कुछ खास नहीं कर पाई। आपने ये कैसे किया कि कोमल शर्मा की पहचान स्थापित की है, किन किन चीज़ों का आपने सहारा लिया? मैं इन सवाल को पूछ पर आपको ही एक तरफा छोड़ रहा हूँ ताकि आप अपनी बात पहले ठीक से हमारे दर्शकों को समझा दें। जी, तो अभी तक हम लोगों ने दो वीडियो की जांच की, जो आप पहले प्रोग्राम में बताए थे, शार्वेंदर का जो वीडियो जो प्रसार भारती ने ये कह के ट्वीट कर दिया और उसको JNU EC ने भी रीट्वीट किया कि ये लेफ्ट के कार्यकर्ता ABVP अटैक कर रहे हैं। तो मैं दोनों वीडियो के बारे में बताता हूँ कि हम लोग की प्रोसीजर क्या थी। तो ये तो वीडियो डायरेक्टली प्रसार भारती ने ट्वीट किया है, तो उसमें हम लोगों ने 3 जनों को आइडेंटिफाई किया, जो एक जो मार रहा था शार्वेंदर और 2 जन जो मार खा रहे थे, और मल्टीपल स्टूडेंट से बात की, आइडेंटिफिकेशन किया कि ये वही इंसान है, कि ये शार्वेंदर ही है, ये जो भी और दो, एक अभिषेक बोल के एक एक स्टूडेंट था। प्रतीक, ये वीडियो, जी हाँ, आप कह सकते हैं हम ये वीडियो शार्वेंद्र वाला भी आपको दिखाएंगे, अभी वो लड़की का वीडियो दिखा रहे हैं। जी, आप कहें अपनी बात। ये लड़की का वीडियो हम लोगों ने इस तरह आइडेंटिफाई किया कि इंस्टाग्राम पे एक अनुजा ठाकुर बोल के इनकी सीनियर रही है, कोमल शर्मा की सीनियर रही है। तो अनुजा शर्मा ने कोमल शर्मा से इंस्टाग्राम पे बात की थी कि आप थे या नहीं, यानी कोमल शर्मा वहाँ थी या नहीं, और उसने कोमल शर्मा एक ऑडियो क्लिप भेजती है, उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजती है कि हाँ दीदी मैं वहीं थी, मगर आप किसी को बताना मत। और अनुजा ठाकुर तो पूछती है उनसे कि मगर आपका वीडियो वायरल, आप क्यों वायरल हुए हो? तो वो अपना खुद का एक फ़ोटो भेज देती है कि देखिए कि इसलिए मेरा फ़ोटो वायरल हो रहा है, ये जो फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वही फ़ोटो भेज देती है। तो अभी हम लोग को जांच करना था कि वो जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कोमल शर्मा का है या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने, तो कोमल शर्मा का जो अकाउंट था उसका नाम था 26_सारा वशिष्ठ। तो हम लोगों ने ढूंढा कि उसका और कोई अकाउंट उस नाम का है नहीं। हम लोग को 4 अकाउंट ऐसे मिले, 2 फेसबुक पे और 2 ट्विटर पे, जहां उसका सेम नाम है सारा वशिष्ठ। क्योंकि फर्स्ट डाउट जाता है कि अगर नाम कोमल शर्मा है तो सारा वशिष्ठ नाम क्यों रखा है, वही फर्स्ट डाउट जाता है कि और किसी का अकाउंट हो सकता है नहीं। तो इसके लिए उसने काफ़ी सारी अकाउंट्स बना के रखे हैं, उसमें 2 ट्विटर के अकाउंट्स है, 2 फेसबुक के अकाउंट्स है, जहां उसकी फोटोज दिख रही है उसने अपना नाम सारा वशिष्ठ रखा हुआ है, और वही आईडी है जैसे इंस्टाग्राम पे। और ये ऐसे नहीं है कि नए अकाउंट्स है, ये 2017 यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने अभी जाके बना दिया है, ये पुराने अकाउंट्स है, 2 साल पुराने अकाउंट्स है जो उसने बना के रखे है, जिसमें एक में 26_सारा वशिष्ठ ही आईडी है, जो इंस्टाग्राम पे ही आईडी है। और बाद में हम लोगों ने उसके जान पहचान के लोगों से बात की कि एक तो अनुजा ठाकुर से ही बात की कि वो कंफर्म कर सकती है कि ये उसका अकाउंट है। बाद में हम लोगों ने और एक इंसान से भी बात की जो जिन्होंने कंफर्म किया कि वो कोमल शर्मा ही है। तो बेसिकली मल्टीपल इंडिविजुअल से बात करके हम लोगों ने कंफर्म किया कि वो उसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है। प्रतीक, हम थोड़ा समझना चाहते हैं, ये काम करने के लिए आपने कितने ACP की मदद ली, कितने इंस्पेक्टर आपके पास थे, कितने सिपाही थे? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास तो टीम बड़ी होगी, वो क्यों नहीं इसको पहचान पाई? इस काम को करने में आपको कितना वक्त लगा? नहीं, इस काम, ये वाला वीडियो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग को वो इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई करना था, तो इस पे 3-4 दिन से लगे थे। मगर जो शार्वेंदर वाला हम लोग ने जो एक्सपोज किया था उसमें हम लोग को 1 ही दिन लगा था कि कौन है,
हम लोगों ने अलग अलग जेएनयू स्टूडेंट से बात की, इन लोग की पहचान की कि ये स्टूडेंट्स कौन हैं, इनका नाम क्या है, और बाद में उन स्टूडेंट से बात की। हम लोगों ने शारविंदर को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसको फ़ोन किया, उसको ईमेल किया, मगर उसका जवाब नहीं आया। मगर जो बाकी जो दो स्टूडेंट्स हैं जो मार खा रहे, उनसे बात की और उनकी पहचान की, उनकी आईडीज ली देखने के लिए, फोटो कंपैरिजन करने के लिए कि वही है या नहीं जो वो बता रहे कि हम लोग मार खा रहे हैं। तो ये फिर से हम कोमल शर्मा वाले पर आते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका नाम कोमल शर्मा ही है, सारा वशिष्ठ नहीं है, और ये वहाँ पर थी, और ये क्या ये एबीवीपी की सदस्य है, ये भी पता चला आपको जाँच में? वो खुद बताती है कि वो एबीवीपी की सदस्य थी। और अभी कुछ दिन पहले और एक वीडियो वायरल हुआ था जहां भरत शर्मा नाम का एक व्यक्ति ये जामिया के टाइम पे एक किसी को लात मारते हुए दिख रहा है, और वो भी एबीवीपी का सदस्य है। और वहां ये कोमल शर्मा उनको जाके सॉर्ट ऑफ सपोर्ट कर रही थी ट्विटर पे कि हाँ मैं आपको सपोर्ट करूँगी। तो खुद अकाउंट पर खुद डिक्लेयर करती है कि वो खुद एबीवीपी की एक्टिविस्ट है, और उन्होंने अलग बाकी दूसरे एबीवीपी एक्टिविस्ट के साथ उनकी कॉन्वर्जेशन भी मिली है हम लोग को। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक सिन्हा इस जानकारी के लिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहुत ही नाजुक वक्त है। आप जो अखबार देख रहे हैं, जो जिस तरह से टीवी देख रहे हैं, जिस तरह से अखबार पढ़ते हैं, वो तरीका बदल लीजिए। आपके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है कि इस तरह से अचानक पुलिस की बातों पर फैसला सुनाया जाता है, सरकार की तरफ से ट्रेंड किया जाता है, ये अच्छा नहीं है। और पुलिस भी जांच कर रही है तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक पक्ष का नाम ले रही है, एक लड़की को अपराधी की तरह उसको लाल रंग के बक्से में बता रही है, और दूसरे जो संगठन के छात्र हैं जिनके बारे में कई रिपोर्ट आ चुकी है कि एबीवीपी के सदस्य, उनके बारे में पुलिस कुछ भी नहीं बोलती है। क्या आपको ऐसी ही व्यवस्था चाहिए थी? ये फैसला आपका बताएगा कि आपको इस देश में कैसा मीडिया चाहिए, गोदी मीडिया चाहिए या गोदी मीडिया अखबार चाहिए। ब्रेक के बाद कश्मीर की बात करेंगे। पहले तो आप दर्शकों की तरफ से मैं डॉक्टर प्रणय रॉय को बधाई दे रहा हूं जिन्हें एशियन टेलीविज़न अवार्ड मिला है। हम सब के बुज़ुर्ग रहे हैं, वैसे जवान, लेकिन इस उम्र में भी वो मैदानों में दौड़ते हैं, लोगों का इंटरव्यू करते हैं, और इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला है, तो हमारा कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए फिर भी आप दर्शकों की तरफ से उन्हें बधाई। 5 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन है। 5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असीमित रूप से इंग्लिश में अनलिमिटेड इंटरनेट बैन करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा है कि धारा 144 के आदेशों को अब प्रकाशित करना होगा और ऐसे फैसलों की न्यायिक समीक्षा होगी। जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों को लेकर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक की पहुंच को भी मौलिक अधिकार का हिस्सा बताया है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत बोलने की आज़ादी में इंटरनेट का अधिकार भी शामिल है। वक्त वक्त पर ऐसी पाबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। इंटरनेट पर रोक लगाना भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। यही नहीं, धारा 144 का बार बार इस्तेमाल सत्ता का दुरुपयोग है। हमारी चिंता ये है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच एक संतुलन रहे। धारा 144 लागू करते हुए भी अधिकारियों को इसका ख्याल रखना चाहिए। अदालत ने सरकार से कहा है कि एक हफ्ते के भीतर वो पाबंदियों की समीक्षा करे। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) का हिस्सा है। ये बहुत अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रनाउंस की है। इसलिए कभी भी अगर इंटरनेट पर रोक लगाएगी सरकार तो स्टेट को उसके लिए आर्टिकल 19(2) की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको मीट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की हिंसा पर भी चिंता जताई है और कहा है कि मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के बीच संतुलन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक हफ्ते के अंदर ये साफ हो जाना चाहिए कि कश्मीर में इंटरनेट और कितने दिन तक प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको सस्पेंड करना पहला विकल्प नहीं मान सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला देते हुए कहा कि धारा 144 पर आदेश जारी करते समय इसके कारण भी बताने होंगे और आदेशों को सार्वजनिक करना होगा, जिससे प्रभावित लोग अदालत में इसे चुनौती दे सकेंगे। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। अब आखिरी उम्मीद जो थी वो जम्मू कश्मीर के अवाम को सुप्रीम कोर्ट में थी। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बेंच ने न सिर्फ
लाखों बल्कि 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत से निकले इस फैसले का असर दूर तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के गुलदस्ते में एक फूल और जोड़ दिया है जिसका नाम है इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार। जाहिर है इस फैसले से सरकारों में जवाबदेही भी बढ़ेगी और जिम्मेदारी भी। नई दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।